फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्रिक के बारे में। तो जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हों, हमें कंपोजिशन ऑफ ब्रिक से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में बात करेंगे कि एक अच्छी ईंट के निर्माण के लिए हम जो मिट्टी यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन कौन से घटक कितने परसेंटेज में होने चाहिए, और उन सभी घटक के यानी उन सभी इन्ग्रीडियंट्स के कि उस मिट्टी में क्या रोल प्ले करते हैं, क्या काम करते हैं, अगर उनकी परसेंटेज को ज़्यादा कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ईंट की स्ट्रेंथ पर या ईंट की शेप पर या फिर ईंट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जितनी भी हम ब्रिक्स बनाते हैं उसके लिए, जो ब्रिक के लिए हम जिस मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं उनके लिए इंग्रेडिएंट्स के नाम को याद रखना। तो उस नाम को याद रखने के लिए हमने एक बहुत छोटी सी ट्रिक बनाई है, और उस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं सलीम नाम से। तो जो सलीम में एस का मतलब, आप सलीम नाम याद रखिए, तो इस सलीम में एस का मतलब है सिलिका, ए का मतलब है एलुमिना, एल का मतलब है लाइम, एंड आई का मतलब है आयरन ऑक्साइड, एंड एम का मतलब है मैग्नीशिया। तो ये तो ही बात कि ईंट के जो निर्माण के लिए जो हम मिट्टी यूज़ कर रहे हैं उस मिट्टी में ये इंग्रेडिएंट्स हमारे होने चाहिए, लेकिन बात करते हैं अब कि इनकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए। देखिए, इन सिलेक्चर के बाद इनकी परसेंटेज को लेकर भी मैंने एक बहुत छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो उससे आप कभी भी इनकी परसेंटेज नहीं भूलेंगे। अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि सिलिका और एलुमिना की परसेंटेज क्या होती है। तो देखिए, परसेंटेज और उनके रोल साथ साथ जानते आते हैं। सिलिका का वर्क है किसी भी ब्रिक बनाने के लिए, जो ईंट के लिए हम जो मिट्टी यूज़ कर रहे हैं उसमें सिलिका की परसेंटेज हमारी 50-60% होनी चाहिए। क्या काम करता है सिलिका ईंट की मिट्टी में? तो वो करता है प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग। देखिए, प्रीवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो उसके अंदर सिकुड़न होगी या फिर जो टेढ़ा मेढ़ापन ब्रिक के अंदर आएगा वो कौन रिड्यूस करता है, कौन कम करता है? वो करता है हमारा सिलिका। तो आखिर ये आता क्यों है? जब हम एलुमिना ज़्यादा कर देते हैं तो उसके अंदर क्या आएगा, श्रिंकेज एंड वार्पिंग होने लगती है। तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलिका। तो सिलिका का क्या रोल हो गया ब्रिक के अंदर? हमारा प्रीवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग का रोल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये भी आ सकती है, अगर सिलिका की वैल्यू ज़्यादा कर दें तो क्या होगा? तो देखिए, सिलिका हमारा क्या है, कोहेजन लेस मटेरियल है। तो कोहेजन लेस मटेरियल है, और एलुमिना कैसा है, कोहेसिव मटेरियल है। इसका मतलब ये हमारा संसंजन देने वाला पदार्थ है, वो हमारा आसंजन देने वाला पदार्थ है। तो जब हम सिलिका की मात्रा हम ज़्यादा डाल देंगे ब्रिक के सॉइल के अंदर, तो उस केस में क्या करेगा, जो एलुमिना से जो कोहेसिवनेस आ रही है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि डिस्ट्रॉय कोहेजन अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो डिस्ट्रॉय कोहेजन यानी ससंजन को खत्म करने लगेगा यानी कम करने लगेगा। तो सिलिका क्या काम करता है, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग का काम करता है। लेकिन साथ साथ याद रखेंगे, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या हो रहेगा, वो कोहेजन को कम कर देगा यानी कोहेजन को खत्म करने लगेगा। जैसे जैसे इसकी मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे कोहेजन को कम करने लगेगा। दूसरा बात करते हैं एलुमिना का क्या वर्क है। एलुमिना की परसेंटेज हम रखते हैं ब्रिक के जो सॉयल है उसके अंदर 20-30% के अंदर हमारी उसकी परसेंटेज वेरी करनी चाहिए। और ये क्या काम करता है, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, जिसकी वजह से हम इजी मोल्डिंग भी कर पाते हैं। तो इन दोनों शब्दों को समझते हैं, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि ब्रिक जब हम सॉइल तैयार करते हैं, ईंट को हम गूंथते हैं, भट्टे वगैरह पर हम देखा होगा जो भट्टे वाले जो कारीगर हैं वो क्या करते हैं, ईंट को जब गूंथते हैं तो वो ईंट को जिस टाइप का उनके पास मोल्ड होता है उसमें रखते हैं, और ईंट हमारी ढल जाती है उसी शेप में। तो किसी भी शेप में ढालने का जो गुण होता है और सूखने पर उसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए, वो क्या कहलाता है, हमारा प्लास्टिसिटी कहलाता है। तो एलुमिना ब्रिक के अंदर क्या काम करता है, एलुमिना का मतलब यहाँ पर है क्ले सॉइल से। क्ले सॉइल क्या वर्क करती है इसके अंदर, कि वो उसके अंदर इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक देने का काम करती है, सुगठ्यता देने का काम करती है, जिसकी वजह से हम इस उस ईंट को किसी भी शेप में ढाल सकते हैं और हमारी जो मोल्डिंग है वो कैसी हो जाती है, आसान मोल्डिंग हो जाती है, यानी इजी मोल्डिंग हम कर पाते हैं। हम जिस शेप का हमने सांचा, जिस शेप का हम मोल्ड यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस शेप में हम मोल्ड की शेप का ही हम ईंट को हम ढाल सकते हैं। याद रखेंगे, जो इस मोल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कोई स्टैंडर्ड मोल्ड, चाहे वो स्टील का बना हुआ हो, चाहे वो लकड़ी का बना हुआ हो। आगे आने वाली क्लास में हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के मोल्ड हम कौन कौन सी लकड़ी से हम बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पर आगे डिस्कस होगा। तो यहाँ पर एलुमिना का क्या काम है, ईजी मोल्डिंग करवाना, और उस वो क्यों होगी, वो होगी इसलिए क्योंकि एलुमिना ब्रिक के अंदर प्लास्टिसिटी देने का काम करता है। दूसरा है कि अगर एलुमिना की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ब्रिक में क्या नेचर आएगा, तो उस केस में देखिए,
इम्पार्ट प्लास्टिसिटी कर रहा है, तो एलुमिना अगर ज़्यादा मात्रा में होगा, आपने पढ़ा होगा कि क्लेई सॉइल में मोंटमोनोलाइट नाम का हमारा जो मिनरल होता है अगर वो ज़्यादा मात्रा हो जाता है, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में ईंट जो हमारी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है और उसके अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं, लेकिन अगर उसमें मॉइस्चर कंटेक्ट में आए तो फूलने लगती है। तो कुछ उसी टाइप का ही नेचर अगर हमारे एलुमिना की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो वो क्या होने लगेगा, ईंट में श्रिंकेज होने लगेगा। तो ईंट में हमारा क्या होगा, श्रिंकेज एंड वार्पिंग होने लगेगी अगर हम ज़्यादा मात्रा में कर देंगे, ईंट हमारी टेढ़ी मेढ़ा बनी ईंट का या फिर उसके अंदर श्रिंकेज होने लगेगा। किसके लिए, कब, जब हम एक्सेस मात्रा में यानी एलुमिना की एक्सेस हो जाएगी यानी एलुमिना की अधिकता हो जाएगी, तब उस केस में हमें ये प्रॉपर्टी देखने को ईंट में मिलती है। दूसरा बात करते हैं कि ईंट में लाइम का क्या वर्क है और लाइम के परसेंटेज क्या है। 4 से 5% पर कभी भी 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फ्लक्स की तरह वर्क करता है। अब फ्लक्स क्या चीज़ है, देखिए फ्लक्स हमारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो वस्तुएं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी गल नहीं पाती हैं, तो उनको हम कम टेम्परेचर पर गलाने का काम करते हैं फ्लक्स के द्वारा। तो फ्लक्स क्या करता है, हम जानते हैं इसके अंदर हमारा कौन सा है, सिलिका। सिलिका एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, तो ईंट को बनाने के लिए हमें उसे कम टेम्परेचर पर ही, भट्टे के टेम्परेचर पर ही हमें मेल्ट कराना होता है और ईंट का निर्माण करना होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स का यूज़ करते हैं। तो लाइम का यूज होता है एज ए फ्लक्स, लेकिन अगर लाइम की मात्रा अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, तो हो सकता है उसके अंदर हमारी ईंट का जो शेप है बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगा तो बहुत ही कम टेम्परेचर पिघल लगेगा और हमारा ईंट का शेप बिगड़ सकता है। तो लॉस ऑफ शेप हो सकती है, लॉस ऑफ शेप ऑफ ब्रिक इन ईंट की जो आकृति है वो हमारी बिगड़ सकती है। दूसरा, इसके अंदर अगर हमारा फ्री लाइम रह जाता है किसी केस में, तो हम जानते हैं फ्री लाइम मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आकर, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आकर फूल सकता है, यानी फूल भी सकता है वो जब फ्री लाइम रह जाएगा। तो फ्री लाइम अगर मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में आएगा तो हम जानते हैं फूल जाता है वो, तो उस केस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारे इसके अंदर क्या होगा, अनसाउंडनेस भी हमारा देगा, यानी इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, अनसाउंडनेस कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, अनसाउंडनेस देने का भी काम करता है। अगला हमारा है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की हम परसेंटेज ब्रिक में रखते हैं वो होती है 5 से 6%। ये वर्क मेनली क्या काम करता है, कलर देने काम करता है, साथ के अंदर स्ट्रेंथ भी थोड़ा बहुत इसका हम कह सकते हैं प्ले रहता है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के अंदर, लेकिन इसका मेन वर्क क्या है, कलर। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो ईंट का हमारा कलर कैसा होने लग गया, ब्राउन या फिर ब्लैक। तो और इसका टेम्परेचर भी पर भी डिपेंड करता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर जलाते तो भी हमारी ब्रिक ब्लैक हो सकती है, लेकिन आयरन का अगर परसेंटेज ज़्यादा होगा तो हमारी ब्राउन या ब्लैक हो सकती है। अगला हमारा लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया की परसेंटेज हमारी कितनी होनी चाहिए, 1% से कम। क्या काम करता है, कलर देने का काम करता है और साथ के साथ ये भी श्रिंकेज को कम करने का काम करता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ईंट का क्षरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में पूछा गया है, डिके ऑफ ब्रिक का जिम्मेदार कौन है, ईंट का क्षरण, ईंट का क्षरण किसकी वजह से होगा, तो वो होगा हमारा मैग्नीशिया की वजह से। तो दूसरा डिके ऑफ ब्रिक और साथ ही साथ क्या करता है, रिड्यूस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को भी हमारा कम करने का काम करता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंड लास्ट कि ये हमारा क्या करें, येलोनेस, हमारी जो येलोनेस यानी पीलापन, ईंट में अगर हम पीलापन देखेंगे, एक तो कम टेम्परेचर पर जलाएं यानी हम कहते हैं थर्ड क्लास ब्रिक, तो उस वजह से पीलापन हो सकता है। दूसरा, अगर हम एलुमिना की मात्रा को भी हम ज़्यादा कर दें तो भी ईंट के अंदर हमारा क्या आता है, पीलापन। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में कि डिके ऑफ ब्रिक का कौन रेस्पॉन्सिबल है, मैग्नीशिया, जब 1% ज़्यादा हो जाएगा, पीलापन भी उसी की वजह से, स्ट्रेंथ भी कम होगी, और वैसे बेसिकली इसका वर्क क्या है, श्रिंकेज को कम करना और साथ के साथ में कलर प्रोवाइड करना, इस मैग्नीशिया हमारा वर्क होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। मैं जितने भी स्टूडेंट्स से मैं वही कहता हूं कि जितनी मेरी क्लासेस देखते हैं आप विदाउट स्किप करें देखें, बहुत ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होती मेरी एक आध लेक्चर को छोड़कर, तो विदाउट स्किप करें देखेंगे आपको। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को आप करिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर किसी और टॉपिक पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं वीडियो को देर सवेर जरूर बना देता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।